सो गाइस, मेरे चैनल पे एक कॉपीराइट स्ट्राइक आया था जो कि अभी 90 दिन से भी ज़्यादा हो गया, फिर भी ये जो है यहाँ से हट नहीं रहा है और एक्सपायर भी नहीं हुआ है। यहाँ पे देख पा रहे हैं, मेरा यहाँ पे डेट भी दिखा दूँ कि कितने तारीख को आया था। देख पा रहे हैं, 5 जनवरी 2023 को आया था और अभी तक यहाँ पे जो ये कॉपीराइट स्ट्राइक यहाँ से नहीं हटा है। ये कैसे हटेगा इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, यहाँ पे ये जो कॉपीराइट स्कूल है, यहीं से आपका सारा कुछ क्वेश्चन का आंसर करके और जो आपका जो है यहाँ पे स्ट्राइक हटाना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, मैं यहाँ से बैक हो जाता हूँ पूरा और फिर दिखाता हूँ कि फिक्स कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने ब्राउजर को ओपन करना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, अपने यूट्यूब पे क्लिक करना है या फिर youtube.com भी ऊपर में लिख के सर्च कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऊपर में 3 डॉट देखने को मिलता है, इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ये डेस्कटॉप वाला जो दिख रहा है इस बॉक्स पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो आपको यहाँ पे डेस्कटॉप पे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे चला जाएगा, जैसे कि देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप लगा दिया। डेस्कटॉप लगाने के बाद आपको ऊपर में चैनल का जो लोगो देखने को मिलेगा यहाँ पे ऊपर में क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे व्यू चैनल पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे इस व्यू चैनल पे क्लिक करेंगे तो आपका जो यहाँ पे यूट्यूब चैनल ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कस्टमाइज चैनल पे क्लिक करना है। कस्टमाइज चैनल पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे जो है आपका आ जाएगा डैशबोर्ड, खुल जाएगा आपके YT चैनल। उसके बाद यहाँ पे आपको ऊपर में क्लिक करना है, सबसे ऊपर यहाँ पे दिख रहा है ये वाला सिंबल, तो आपको यहाँ पे स्ट्राइक चैनल पे वो सारा कुछ एक्टिव यहाँ पे दिखाएगा। मेरे चैनल पे एक वार्निंग स्ट्राइक भी है, तो पहले तो मैं आपको ये वाला बता देता हूँ कि कॉपीराइट स्ट्राइक जो है ये कैसे हटाऊंगा। उसके बाद आप वार्निंग स्ट्राइक को भी हटा सकते हैं। यूट्यूब का जो नया एक अपडेट आया उससे आप वार्निंग स्ट्राइक को भी अपने चैनल से रिमूव कर सकते हैं। तब आपको इस तरह से डैशबोर्ड खुलता है, आपको यहाँ पे दिखा रहा है 1 of 3, तो आपको यहाँ पे 1 of 3 वाले पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको जो है एक स्ट्राइक यहाँ पे मेरा पड़ा हुआ है जो कि यहाँ पे अभी तक एक्सपायर नहीं हुआ है। तो आपको इस तरह से इंटरफेस खुलेगा, यहाँ पे आपको कॉपीराइट स्कूल पे यहाँ पे क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद आपका जो भी यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है, 4-5 क्वेश्चन दिखेगा, इसका यहाँ पे आंसर करना पड़ेगा। तो इसका आंसर आपको मिलेगा कहाँ पे, इसका आंसर आपको गूगल पे ही मिलेगा। गूगल पे आपको जाना है यहाँ पे क्रोम पे और आने के बाद यहाँ पे सर्च करना है कॉपीराइट स्कूल आंसर। यहाँ पे दिख रहा है फर्स्ट में ऊपर में आ गया कॉपीराइट स्कूल आंसर, ये लिख करके सर्च करेंगे तो आपको जितने भी ऊपर में सबसे ऊपर वाले वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो आपका जितने भी क्वेश्चन होगा सारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि देख पा रहे हैं ऐड आ गया है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जो है क्वेश्चन का आंसर है। मिला करके आपको क्वेश्चन मिला लेना है, उसका जो भी आंसर नीचे में होगा उसी पे आपको टिक लगाना है। देख पा रहे सारे क्वेश्चन का आंसर देखने को मिल जाता है, तो मैं फटाफट वहाँ पे जो है टिक लगा लेता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट कर लिया मैंने चारों को। उसके बाद यहाँ पे साइड में देखने को मिलता है चेक आंसर, तो इस चेक आंसर वाले पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे इस चेक आंसर वाले पे यहाँ पे कुछ जो है गलत हो चुका है। तो अगर कुछ गलत भी हो जाता है यहाँ पे, जैसे कि देख पा रहे हैं मेरे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन का आंसर जो यहाँ पे गलत हो चुका है, तो यहाँ पे ट्राई अगेन पे क्लिक करके आप फिर दोबारा से यहाँ पे जो है फिल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ट्राई अगेन पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे मैं फिर से इसको फिल कर लूँगा, तो फिर दोबारा से यहाँ पे ट्राई अगेन करेंगे तो आपको फिर से यहाँ पे क्वेश्चन जो है चेंज होकर के आ जाएगा। तो फिर से आपको देख करके वैसे सेम क्वेश्चन भरना है और चेक पे क्लिक करना है। सो गाइस, तो मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे डाल दिया और डालने के बाद यहाँ पे चेक आंसर पे क्लिक करना है यहाँ नीचे इस पे। तो हम चेक आंसर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखते हैं मेरा स्ट्राइक जो है यहाँ पे हटता है या फिर नहीं हटता है। तो यहाँ पे देख रहा है यू आर सक्सेसफुली कम्प्लीट कॉपीराइट स्ट्राइक, यानी कि जो भी मैंने यहाँ पे कॉपीराइट स्कूल का जो भी मैंने क्वेश्चन का आंसर दिया वो मेरा सारा कम्प्लीट सक्सेसफुल हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पे डन पे क्लिक कर देता हूँ और डन पे क्लिक करने के बाद तो अब मैं यहाँ से बैक हो जाता हूँ और रिफ्रेश करके देखता हूँ एक बार कि ये जो हटा कि नहीं हटा। तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश करके और आ गया, तो देख पा रहे हैं मेरा यहाँ पे देख पा रहे कॉपीराइट स्ट्राइक जो यहाँ से बिल्कुल यहाँ पे हट चुका है। लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उस वीडियो को भी जाकर के आप देख सकते हैं किस तरह से वार्निंग स्ट्राइक को भी आप हटा सकते हैं।